हेलो दोस्तों दोस्तों हमने कई तरह के राइट्स के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन ये पर्सनालिटी राइट्स क्या है, इसे कौन रजिस्टर करवा सकता है? आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। दरअसल पर्सनालिटी राइट्स व्यक्ति की पर्सनालिटी से जुड़ा है। अगर किसी फेमस व्यक्ति को लगता है कि उसकी खूबियों का, उसकी चीजों का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जिससे लोग बिजनेस करके गलत तरीके से पैसे कमा रहे, तो फेमस व्यक्ति अपना नाम पर्सनालिटी राइट्स के तहत रजिस्टर करवा सकता है। भारतीय कानून में पर्सनालिटी राइट्स को लेके कुछ ज्यादा उल्लेख देखने को हमें नहीं मिलता। इसे निजता के अधिकार का हिस्सा माना जाता है। फेमस लोगों के लिए काफी अहम राइट है। भारतीय कानून में पर्सनालिटी राइट्स भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में प्राइवेसी और पब्लिसिटी से जुड़ा हुआ अधिकार है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ भी संवैधानिक तौर पर पर्सनालिटी राइट्स को लेकर एक अधिकार है। इसके तहत कॉपीराइट एक्ट का भी प्रावधान है। बॉलीवुड के एक्टर अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि उनकी परमिशन के बिना कई कंपनियां उनके नाम, फोटो और आवाज का इस्तेमाल कर रही है, और ये भी कहा ये लोग जो करे गलत है, कॉमर्शियल इंडस्ट्री पर उन पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम पर एक लॉटरी टिकट चल रहा है, जहां प्रमोशन बैनर पर उनकी फोटो लगी हुई है। इसके अलावा KBC का लोगो भी है। यह बैनर किसी ने लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया हुआ है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। इस मामले में जस्टिस चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए एक आदेश जारी किया कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और पर्सनालिटी ट्रेंड्स को तुरंत हटा दिया जाए जो भी पब्लिकली उपलब्ध है। इसके अलावा टेलीकॉम और सर्विस प्रोवाइडर से कोर्ट ने उन नंबर्स के बारे में जानकारी देने को कहा जो बच्चन का नाम और आवाज का गलत रूप से उपयोग कर रहे हैं, और इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से उन ऑनलाइन लिंक्स को हटाने के लिए कहा जो बच्चन की पर्सनालिटी राइट्स को खराब करें। सो दोस्तों आज का ये टॉपिक था पर्सनालिटी राइट्स को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।